सभी भाइयों को दीपक शर्मा की तरफ से राम राम नमस्कार। इस वीडियो के अंदर आपको एक पशुधन जो प्रतियोगिता होने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जो भाई पहली बार चैनल पे वीडियो देख पा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि उसका कारण ये है काफ़ी भाइयों को पता नहीं चलता कि कब कहाँ पर क्या होने वाला है, तो उस कारण से ये वीडियो बना रहे हैं छोटी सी। जैसी मेरे से जो जानकारी आपको दी जाएगी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दूँ। वीडियो शेयर जरूर कर देना क्योंकि उस भाई तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जिसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बताना चाहूँगा राष्ट्रीय पशुधन प्रतियोगिता मुर्रा भैंस और बुल, तो दिनांक 11 अप्रैल 2021 जो कि नरवाना के अंदर होने वाली है, LIC रोड नियर जाट धर्मशाला नरवाना, तो वहाँ पे ये जो पशुधन प्रतियोगिता होगी और एंट्री का जो टाइम है सुबह 9:30 बजे तक है, उसके बाद वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। जो काफ हैं छोटे में बताना चाहूँगा, जो 6 महीने से कम उम्र के जो काफ हैं कटड़ी कटड़ी हैं उनको आप वहाँ पे ले जा सकते हैं, और 6 महीने से लेके और 1 साल तक के जो काफ हैं वो भी लेके आ सकते हैं, और 2 से 4 दांत जो कटड़े कटड़ी हैं ड्राई भैंसे हैं दूध वाली और सुंदरता की जो ब्यूटी जो भैंसे हैं उनको भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जो देसी गौ माता जो अलग से कैटेगरी बनाई गई है इसको दूध वाली और ब्यूटी के लिए जो जजों द्वारा लिया जाएगा भाई किसी की, तो जो भी छोटा किसान है अच्छी भैंसे हैं दूध वाली, एंट्री जो फीस है 400 रुपये मिलेगी या कुछ भी रहेगी, तो आप इस पे पढ़ सकते हैं सारी की जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है वो इस बैनर पे जो फोटो पे लिखी हुई है, साथ में इनका मोबाइल नंबर है। तो मेरी जो कोशिश थी ये कि एक छोटी सी वीडियो बनाए भाई, जो जिन भाइयों को नहीं पता इसके बारे में उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो भी अपने जो अच्छी भैंसे उन्होंने तैयार की है, अच्छी गौ माता उन्होंने तैयार की है, ज़्यादा जो छोटा पशुपालक भाई हैं वो पहुंचे इस मेले के अंदर, और हो सकता है भाई जो आपकी मेहनत है वो रंग लाए। तो वीडियो शेयर ज़रूर कर देना जिस भाई को वीडियो पसंद हो, ताकि हर भाई तक वीडियो पहुंचे, और मेरा यही प्रयास था कि वैसे अगर कोई भी पोस्ट डालने उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वीडियो के माध्यम से यही है कि हर छोटा किसान आगे बढ़े।